तो आज की हमारी क्लास की गैप प्रिपरेशन पर होने जा रही है, जिसमें मैं आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट किस्म के एमसीक्यूज लेकर आने वाला हूँ। तो वो एमसीक्यूज जो यानी प्रीवियस जो पास पेपर थे यूनिवर्सिटी के, जिसमें एंट्री टेस्ट हुए थे, उनमें यानी जो भी पेपर आए थे वो सारे के सारे हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो उनमें जो भी लॉजिक्स और कंसेप्ट होंगे वो सारे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो बजाय व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करवाने के, मैं आपको वो स्मार्ट स्क्रीन पे सॉल्व करवाने वाला हूँ, जिसमें आपके लिए इनके ये फायदा होने वाला है कि जो आपकी वीडियो है वो शॉर्ट होगी, आपका टाइम जो है वो बहुत ज्यादा यानी कंप्रेस हो जाएगा। थोड़े से टाइम में आप मुकम्मल वीडियो जो है वो प्रिपेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सीख सकेंगे और फुल कंसेप्ट के साथ, यानी आपको हर बात का पता होगा कि कौन सा एमसीक्यू जो है हम उस पर क्यों टिक कर रहे हैं और उसकी लॉजिक क्या है और मतलब इसकी वजह क्या हो सकती है। तो क्योंकि आपके पास चार ऑप्शन होते हैं, आप उनमें से एक पे टिक करते हैं और उसकी वजह आपको मालूम होनी चाहिए। तो आइए चलते हैं एमसीक्यूज पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सेकंड लेक्चर ई कैट प्रिपरेशन पर बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 13 से आगे स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 13 में नज़र आ रहा है कि पाई इज़ दी रेशो। अब ये जो पाई है ये रेशो होता है दो क्वान्टिटीज़ के दरमियान। अब वो दो क्वान्टिटीज़ कौन सी होती हैं, पहले आपको वो बता दी जाए ताकि आप जो ओरिजिनल आंसर है आपका करेक्ट आंसर है आप उस पर टिक कर सकें। अब यहाँ पर आपके आपसे पूछा जा रहा है कि जो पाई है वो असल में है रेशो दो वैल्यूज़ के दरमियान। तो वो दो वैल्यूज़ हैं आपकी सी डिवाइडेड बाय डी, क्योंकि आप सी को आप लिख सकते हैं 2πr और डी को आप लिख सकते हैं 2r। तो इस तरह से आप 2 से 2 काट सकते हैं, r से r काट सकते हैं, तो बाकी जो आपके पास बचता है वो पाई बचता है। इसका मतलब ये प्रूव हो चुका है कि पाई जो है वो बराबर होता है सी डिवाइडेड बाय डी, और यहाँ पर सी जो है वो सरकमफेरेंस है और डी जो है वो डायामीटर है। तो अब आप सही ऑप्शन जो आपका बनता है उस पे आप टिक कर सकते हैं कि सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायामीटर। तो ये देख सकते हैं आप, आपके पास यहाँ पर दिया गया है कि सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायामीटर, ये देखें, ये हमारा पहला एमसीक्यूज क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है एवरी इंटीजर, यहाँ पर जो आपके पास है एवरी इंटीजर इज़ आल्सो अब आपका हर इंटीजर जो है वो कहलाता है क्या। अब ये आपको थोड़ा सा रेफरेंस दे दूँ, फिर हम इसको रैशनल नंबर पर टिक करेंगे। ये जो आपका एवरी इंटीजर है ये कहलाता है रैशनल नंबर, ये किस तरह होता है इसको थोड़ा सा आप समझ लें, फिर आप इस पर टिक कर सकेंगे कि हर इंटीजर जो है आपका वो क्या कहलाता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट होता है होल नंबर का, होल नंबर जो है वो सबसेट होता है इंटीजर का, इंटीजर जो है वो सबसेट होता है आपके पास रैशनल नंबर का, और रैशनल नंबर जो है वो सबसेट्स होते हैं आपके पास रियल नंबर के। तो ये आपके पास यानी डिटेल है, इसको आप देख सकते हैं। तो अब आपके पास जो ऑप्शन है वो है रैशनल नंबर, तो इंटीजर के बाद यानी जो नंबर आ रहा है ये आपके पास क्यू, ये रैशनल नंबर है। तो इंटीजर के बाद जो आने वाला नंबर है क्यू वो आपका राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे आप देखें कि एवरी इंटीजर, इंटीजर मीन जी, तो हर इंटीजर जो है उसके बारे में उन्होंने पूछा है, तो आप किस पे टिक करेंगे, रैशनल नंबर पे। अब क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 में, एवरी यानी इफ एन इज़ अ प्राइम नंबर देन स्क्वायर रूट ऑफ एन इज़, वो कह रहे हैं अगर आपका एन प्राइम नंबर हो तो स्क्वायर रूट ऑफ एन को आप क्या कहेंगे। तो यहाँ पे आप इसको समझ लें कि अगर आपका कोई भी प्राइम नंबर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए तो वो हमेशा इरेशनल ही कहलाएगा, ठीक है। कभी भी आपका कोई भी यानी प्राइम नंबर अगर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाता है, यहाँ देखें ये जो 3 है आपका, ये क्योंकि एक प्राइम नंबर है और आपको पता होना चाहिए कि जो प्राइम नंबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अगर आपको प्राइम नंबर का नहीं पता तो आप यहाँ पर देख लें कि जो प्राइम नंबर होते हैं आपके वो होते हैं 2, 3, 5, 7, 11 अप टू सो ऑन, ये वो नंबर हैं आपके जो यहाँ तो ख़ुद पे डिवाइड होना चाहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख लें कि ये जो भी नंबर हैं आपके पास, इनमें से आप कोई सा भी एक नंबर कलेक्ट करें
जैसे कि यहाँ से 2 लेने, तो 2 यहाँ तो 2 पे डिवाइड हो सकता है या 2 1 पे डिवाइड हो सकता है। इसके सिर्फ 2 ही डिवाइज़र हैं, इस वजह से आप इसको क्या कह सकते हैं, प्राइम नंबर। तो इस वजह से यहाँ पर ये इरेशनल पे टिक हुआ है। तो अगर कभी भी n प्राइम नंबर हो तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका होगा इरेशनल नंबर। तो यहाँ से आप ऐसा करें, b के ऊपर टिक कर लें। तो इस तरह से हमारा जो है वो 15 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। वो कह रहे हैं अगर इफ़, यहाँ से आप इसको तवज्जो से देख लें कि उन्होंने लिखा हुआ है इफ़ एन इज़ नेगेटिव नंबर देन स्क्वायर रूट ऑफ एन इज़। वो कह रहे हैं अगर आपका एन नेगेटिव नंबर आए, तो आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट में जब भी यानी नेगेटिव आता है आपके पास, जब भी आप स्क्वायर रूट में नेगेटिव लिखते हैं तो होता क्या है, यहाँ पर हम इसे समझ लेते हैं कि अगर कभी भी आपकी नेगेटिव वैल्यू स्क्वायर रूट में आ जाए तो जो भी आपके पास वैल्यू है उसका मसला नहीं है, लेकिन जो माइनस है उसकी वजह से आयोटा आता है। और आयोटा आने की वजह से ये जो आपके पास हिस्सा है ये आपके पास इमेजनरी हो जाता है, यानी कि इमेजनरी। तो प्योर इमेजनरी भी इसे कहा जाता है। अब यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है उसमें आप देखेंगे जो इमेजनरी वाला हिस्सा है उस पर आप यानी टिक कर सकेंगे। तो अब आपके पास यहाँ पर प्योर इमेजनरी जो यानी कि ऑप्शन है उस पर आप यानी यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं, जिसमें लिखा हुआ है द नंबर ज़ीरो। जो नंबर ज़ीरो है आपका वो क्या है, उन्होंने कहा है रैशनल। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 को आप यानी देख लें, द नंबर ज़ीरो इज़ रैशनल है, इंटीजर है, इवन नंबर है या ऑल ऑफ दीज। मैंने आपको पहले भी एक ट्रिक बताई थी कि जब भी ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन आपके सामने आ जाए तो फिर आप ऑल ऑफ दीज को प्लैरिटी ज़रूर दिया करें, क्योंकि ज़ीरो रैशनल नंबर भी होता है। यहाँ पर हम जानते हैं कि जो ज़ीरो है वो रैशनल भी है, इंटीजर भी है, इवन नंबर भी है। तो इसका मतलब सही ऑप्शन जो होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा। तो ये आपका इस बार राइट ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। आगे उन्होंने क्वेश्चन नंबर 18 में फिर से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि दी नंबर ज़ीरो यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 18 है दी नंबर ज़ीरो। वो कहते हैं नॉन पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव, रियल नंबर, होल नंबर। तो ज़ीरो जो है वो वाकई ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है। यहाँ पर आप टिक करते जाएं, ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है। और फिर वो कहते हैं वो रियल नंबर होता है, नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव के बाद उन्होंने सी ऑप्शन में कहा है वो रियल होता है, बिल्कुल होता है, होल नंबर में भी वो होता है। तो इसका मतलब सारे ऑप्शन दुरुस्त हैं। तो आप डी पर टिक करेंगे जिसमें लिखा हुआ है ऑल ऑफ दीज। तो अब आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 19 पर। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 की स्टेटमेंट दी गई है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, और फिर लिखा हुआ है कि ए प्लस बी बिलोंग टू रियल नंबर देन यानी दिस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर इज़ कॉल्ड। तो जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसके बारे में आपको टिक करने से पहले बता देते हैं कि उन्होंने आपको कुछ इस तरह से यानी कि बातें दी हुई हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, और फिर उन्होंने कहा है कि ए प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये बिल्कुल ऐसी ही एग्जाम्पल है जैसे आप कोई से दो नंबर ले लेते हैं, 1,2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, और फिर आप कहते हैं 1+2 इज इक्वल टू 3 आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये क्लोज्ड यानी कि आपके पास सेट बन रहा है कि आपने कोई भी रियल नंबर के दो यानी एलिमेंट लिए और उनको आपने सम किया और फिर भी जो आंसर आया वो भी रियल नंबर ही आया। तो इसका मतलब ये जो सेट है आपका ये क्लोज सेट है। तो फिर आपका यानी जो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है वो भी क्लोज्ड यानी कि प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि आपने यहाँ पर ऐड किया है। तो अब आप चेक करें कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी का यूज़ किया गया है। ऑप्शन ए बी सी डी, चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो है वो आपका राइट ऑप्शन होगा, तो उस पर आप टिक कर सकते हैं। तो हम ए ऑप्शन को अगर गौर से देखें तो उसमें लिखा हुआ है क्लोज प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, जिसमें आपके सामने उन्होंने लिखा हुआ है फॉर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यानी यहाँ पर इसको कम्यूट किया जा रहा है। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको थोड़ा सा आप समझ लें कि ये किस तरह से होता है। जैसे आपके पास लिखा हुआ है कि ए प्लस बी
करने से और बी प्लस ए करने से आपके क्वेश्चन पे यानी कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी कम्यूट करेगी। जैसे आप कहते हैं कि 2+3 जो है वो इक्वल होता है 3+2 के, तो आप गौर से देखें ये भी 5 आ रहा है और ये भी 5 आ रहा है, तो ये कम्यूट कर रहे हैं, इस वजह से आपकी ये जो प्रॉपर्टी है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। तो यहाँ पे आप जो आपका राइट ऑप्शन है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो अब आप आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 21 पे, वो कहते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ज़ीरो, ये क्वेश्चन ज़रा पहले आप रीड कर लें। क्वेश्चन नंबर 21 वो कहते हैं दी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब आप याद रखें जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है किसी का भी, यहाँ पर हम पहले कुछ यानी एक दो एग्जांपल समझते हैं कि जैसे आपके पास लिखा हुआ है 2, अब 2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो इस तरह से होगा कि अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट जो है वो इक्वल टू 1 आ जाना चाहिए, हमारा वो कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो 2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो 1/2 है, तो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 1/0, और ये जो है वो इन्फिनिटी बनता है, इसका मतलब ये अनडिफाइन हो रहा है। इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जो भी अनडिफाइन होगा उसको आपने उस हिसाब से ऑप्शन पे यानी क्लिक करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमने रीड किया है, तो इसके 4 ऑप्शन हमें नज़र आ रहे हैं A, B, C, D, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन पे ज़रा देखें क्वेश्चन नंबर 21 में, ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ लिखा हुआ है नॉट डिफाइन, और हम जानते हैं कि वाकई ये नॉट डिफाइन है क्योंकि आपको मैंने वजह बता दी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, जिसमें आपके सामने लिखा हुआ है कि इफ़ ए इज़ एनी नॉन ज़ीरो रियल नंबर देन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो यहाँ से यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो क्या होगा उसका मल्टीप्लिकेटिव, देखें अगर 2 का 1/2 था तो a का क्या होना चाहिए 1/a होना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली हम यहाँ पर इस पे बी ऑप्शन पे क्लिक करने वाले हैं। तो इस तरह से आपने बी ऑप्शन पे टिक किया है। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23 आ चुका है, तो आप ज़रा क्वेश्चन नंबर 23 को रीड कर लें, फिर हम इसका सही ऑप्शन जो है उस पर क्लिक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो मैं रीड करता हूँ, जिसमें लिखा हुआ है कि फॉर ए बिलोंग्स टू रियल नंबर और ए इक्वल टू ए, तो इसके ऊपर थोड़ी सी लॉजिक है, इसको कौन सी प्रॉपर्टी कहा जाता है कि ए अगर खुद ए के बराबर हो, तो इसको ज़रा आप पहले थोड़ा सा समझ लें कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए खुद इक्वल है ए के, तो सॉरी यहाँ पर ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए इक्वल टू ए, इस तरह से आपके सामने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए खुद इक्वल है ए के, तो इसको आप यूँ समझ सकते हैं जैसे यहाँ पर आप किसी को भी यानी खड़ा कर दें और बीच में आप यहाँ पर एक मिरर लगा दें, तो यकीनन वही ही आपको यहाँ पर भी इमेज नज़र आएगी। तो इसको आप क्या कहते हैं, ये जो आपने अभी मतलब यहाँ पर ड्रा किया है, तो इसको आप कहते हैं कि ये जो है इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, तो क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है यहाँ पर, ये जो है वो ए के लिए यानी कि काम कर रहा है और ये जो है वो इस ए के लिए काम कर रहा है और ये मिरर जो है वो इक्वल के लिए काम कर रहा है, तो ये असल में हो रही है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन से हमारे जहन में रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आएगी, जिसको आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 में देख सकते हैं। तो आप देखें ज़रा क्वेश्चन नंबर 23 का जो फर्स्ट ऑप्शन है, जिसको आप ए ऑप्शन कह रहे हैं, उसमें आपके सामने उन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो आपके पास प्रॉपर्टी है ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। इस तरह से आपने यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 को किया है। अब आप क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाएं ज़रा, तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपके पास लिखा हुआ है फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, वो कहते हैं ए अगर बी के बराबर है तो फिर बी ए के बराबर है, यहाँ पर मतलब इस तरह से आपके पास यानी प्रॉपर्टी लिखी हुई है, और इस प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हैं, इसको आप यूँ समझ लें कि
असल में यहाँ पर कुछ इस तरह से किया जा रहा है, जैसे आप कहते हैं मिसाल के तौर पे कि ए इक्वल टू बी, तो वो कहते हैं कि अगर आप ए और बी की जगह को चेंज कर दें, मिसाल के तौर पे आप बी को यहाँ लिखें और ए को यहाँ लिखें, तो भी आपके क्वेश्चन पे फ़र्क ना पड़े, इस तरह से वो आपको समझाना चाह रहे हैं। तो असल में यहाँ पर एक वर्ड होता है जिसको आप कहते हो सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक असल में अगर आप इसको उर्दू में पढ़ने की कोशिश करें तो ये मुतवाजन या तवाजन के मायनी, यानी तो तवाजन जो है वो असल में बराबरी को कहते हैं। जैसे आप किसी तराजू की दो साइडें, अगर आप एक एक किलो वेट दोनों साइड रखते हैं तो अगर आप उस वेट की जगह को इंटरचेंज भी कर दें तो उसके तवाजन में फ़र्क नहीं आने वाला, क्योंकि वो दोनों वेट इक्वल हैं। इस वजह से यहाँ पर जो प्रॉपर्टी जो यूज़ हो रही है इसको हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का नाम दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। तो अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 24 के चार ऑप्शंस हैं, जिनमें आपका जो राइट ऑप्शन सी बन रहा है, जिसमें आप सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को टिक करने वाले हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर, जिसमें लिखा हुआ है फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, और फिर उन्होंने कहा है ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, तो देन ए सी के बराबर होगा, देन इट इज़ डैश प्रॉपर्टी। तो वो कह रहे हैं क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी। तो इसको आप थोड़ा सा पहले समझ लें कि जो प्रॉपर्टी आपके पास अप्लाई हो रही है, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कि ए बराबर है बी के, और फिर उन्होंने कहा है कि बी बराबर है सी के, तो देन फिर यानी उन्होंने जो रिज़ल्ट लिखा है वो लिखा है कि फिर ए बराबर होगा सी के। तो इसको ज़रा आप समझ लें कि ये कैसे किया है उन्होंने। असल में उन्होंने पहले कहा था कि ए बराबर है बी के, और फिर उन्होंने कहा था कि बी बराबर है सी के। अगर बी सी के बराबर है तो यहाँ पर, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो बी है इसकी कीमत आपके पास क्या है ए, अगर इस ए की कीमत को यहाँ आप पुट कर दें तो ये ए इज़ इक्वल टू सी बनता है, और ये रिज़ल्ट आपके सामने यहाँ नज़र आ रहा है। तो इस वजह से जो है ए सी के बराबर, और इस प्रॉपर्टी को आप ट्रांजिटिव कहते हैं। असल में यहाँ पर आप जब आप किसी भी ट्रांजिटिव हो सकता है, और इसको ज़्यादातर जो मीनिंग्स इसके लिए जाते हैं वो यानी कि रिप्लेसमेंट की जाती है, यहाँ पर सिलेक्शन की जाती है किसी भी वैल्यू की। तो क्वेश्चन नंबर 25 में कोई ऐसी प्रॉपर्टी देखें जहाँ पर आपको ट्रांजिटिव नज़र आ रहा हो, जैसे कि ए ऑप्शन आपके पास लिखा हुआ है, और उस प्रॉपर्टी को आप ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं। और ये प्रॉपर्टी मज़ीद आपके सामने फिर भी आएगी, और ये प्रॉपर्टी इस वक्त इक्वलिटी में आपके सामने आ रही है। अब क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं, फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए इक्वल टू बी। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है, कि जैसे कि आपके सामने ए इक्वल टू बी है, फिर आपके सामने यहाँ पर अचानक सी आ चुका है, और यहाँ पर भी अचानक सी आ चुका है। तो आप देखें ए में भी सी प्लस किया गया और बी में भी सी प्लस किया गया, तो प्लस करने को इंग्लिश में आप एडिशन कहते हैं, और एडिशन से आपके जहन में एडिटिव प्रॉपर्टी आ सकता है। बहुत आसान ऑप्शन है, बग़ैर टाइम ज़ाया कि आप इस पर डी पे टिक करें कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। और इसी क्वेश्चन को उन्होंने क्वेश्चन नंबर 27 में देखें ज़रा रिवर्स करने की कोशिश की गई है, जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है, फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो फिर उन्होंने लिखा है कि ए प्लस सी। अब यहाँ पर आप ध्यान दें कि ए प्लस सी ये और ये बी प्लस सी, इन दोनों सी को उन्होंने आगे जाके कैंसिल कर दिया है। अगर ये जो सी मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट किए हुए, अगर ये दोनों कैंसिल हो जाएं तो फिर आपको पता है कि ए और बी ही बचता है, क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड पर प्लस सी हो रहा है। अगर इस सी को सी से कैंसिल कर दें तो ए इक्वल टू बी आता है, तो फिर सी ऑप्शन देखें, ये आपने सी से सी कैंसिल किया है, तो कैंसिल को कैंसिलेशन प्रॉपर्टी से आप जोड़ सकते हैं, तो सी ऑप्शन पर आप टिक कर सकते हैं, जैसे कि हम करने वाले हैं। तो ये हमारा सी ऑप्शन पर टिक हो चुका है। तो इस तरह से हमारी आज की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।